नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वो जानकारी है सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस लोनावला से आई कुछ जानकारियों के आधार पर। वहां पर चूंकि एनसीबी की टीम पहुंची थी, एनसीबी की टीम ने जब छापेमारी की तो इस टीम को कुछ सामान मिले और दावा ये किया जा रहा है टीम की तरफ से या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो सामान मिले हैं उनका इस्तेमाल हैश और बड कोल के सेवन में किया जाता था। जैसे कि आपको ही पता है हुक्का पीने की कुछ बॉटल्स मिली है, इसकी तस्वीरें आपने ज़रूर देखी होंगी कुछ टीवी चैनल्स पर। हुक्का पीने वाली बॉटल्स की तस्वीर सामने आई है और कुछ और चीज़ें सामने आई हैं जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस लोनावला में पार्टी होती थी, ड्रग पार्टी होती थी, ये बात क्लियर हो चुकी है। और चैट्स में भी कुछ पैडलर्स के नाम सामने हैं, कुछ ड्रग पैडलर्स के नाम सामने आए हैं जिसके आधार पर यह बात पहले ही क्लियर हो चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर ड्रग पार्टी होती थी और कुछ ड्रग पैडलर वहां ड्रग लेकर जाते थे। लेकिन इस बीच एक और टीवी चैनल है टाइम्स नाउ, उसके हिसाब से कुछ अहम जानकारियां रिया चक्रवर्ती के बारे में भी निकल कर आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती ड्रग पैडलर से कैसे बात करती थी, क्या वो इसके लिए अपने फोन का इस्तेमाल करती थी, अगर अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करती थी तो दूसरा क्या जरिया होता था, हम इससे जुड़ी आपको बड़ी बात बताने जा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में है रिया चक्रवर्ती और आपको भी पता है उनका भाई भी कस्टडी में है। और सूर्यदीप नाम का एक शख्स जो कि शौविक चक्रवर्ती का क्लासमेट रह चुका है, शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ में उसका नाम सामने आया। सूर्यदीप दरअसल वो शख्स है जिसने शौविक को ड्रग पैडलर से मुलाकात करवाई, बड़ी बड़ी पार्टियों में शौविक को सूर्यदीप लेकर जाता था और सूर्यदीप ने ही बताया कि कैसे ड्रग डील होती है। ये पूरा अभी नया नेक्सस निकल कर सामने आया, कुछ नए नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके बाद इसके पहले आपने देखा करणजीत का नाम सामने आया था, वो भी पुलिस कस्टडी में है। अब तक 10 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हर शख्स कुछ ना कुछ इस मामले में नया खुलासा कर रहा है। अभी बड़ी मछली कौन है उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। लेकिन हम रिया चक्रवर्ती के बारे में आपको बताते हैं कुछ अहम जानकारी जो टाइम्स नाउ ने साझा की है। रिया चक्रवर्ती कई ड्रग पैडलर से कांटेक्ट में थी। इसके पहले ऐसी बातें सामने आई थी कि सारा अली खान इंडिविजुअल तौर पर एक ड्रग पैडलर से कांटेक्ट में थी और सारा अली खान ने रिया चक्रवर्ती को उसका नंबर दिया। रिया चक्रवर्ती सबसे पहले उससे कांटेक्ट में आई, रिया चक्रवर्ती ने कुछ अपने ड्रग पैडलर से कांटेक्ट बनाए और इस तरह दोनों अभिनेत्रियां ड्रग डीलिंग में योगदान देती थीं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी ने जब रेड डाली थी रिया चक्रवर्ती के घर पर या रिया चक्रवर्ती के इशारे पर या कहने पर जो उनसे जानकारी हासिल हुई थी उसके आधार पर अलग अलग जगहों पर कुछ लैपटॉप्स मिले, कुछ मोबाइल फोन मिले हैं और उस पर पता ये चला है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग डील में अपनी माँ संध्या चक्रवर्ती के फोन का इस्तेमाल करती थी। कोई मैसेज, कोई कॉल करने के लिए संध्या चक्रवर्ती के फोन का इस्तेमाल होता था। इस पूरे मामले में एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, वो ये कि कभी भी संध्या चक्रवर्ती को ना तो मुंबई पुलिस ने बुलाया, ना ही एनसीबी की टीम ने बुलाया, ना ही ईडी ने बुलाया और ना ही कभी सीबीआई ने बुलाया है। तो इस पूरे मामले में संध्या चक्रवर्ती का क्या रोल है, अब ये भी बहुत सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है क्योंकि संध्या चक्रवर्ती के फोन का इस्तेमाल करती थी रिया चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती को क्या इसकी खबर नहीं थी, ये भी पूछा जाएगा सवाल। फिलहाल रिया चक्रवर्ती ने किस किस से कॉन्टैक्ट किया, रिया चक्रवर्ती ने किन किन लोगों से ड्रग खरीदे और कितने पैडलर्स को जानती हैं रिया चक्रवर्ती, ये तमाम नाम अभी सामने आने बाकी हैं। अगर ये नाम भी सामने आ जाते हैं तो शायद एनसीबी के हाथ से जो बड़ी मछली अब तक बची हुई है वो बच नहीं पाएगी।